नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्नर में। आज मैं मीठे चावल बना रही हूँ। ये खाने में तो काफी स्वादिष्ट होते ही हैं, देखने में भी खूबसूरत और बनाने में आसान भी होते हैं। मीठे चावल या बसंती चावल बनाने के लिए आवश्यक सामान की सूची इस तरह से है। सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करें। इसमें 3 से 4 तेज पत्ते, आधा इंच दालचीनी और 3 से 4 लौंग डालिए। इसमें 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर डालें। आप थोड़े से केसर को दूध में भिंगोकर भी ऑरेंज कलर तैयार कर सकते हैं। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो इसमें करीबन 400 ग्राम चावल डालिए। इन्हें मैंने पहले ही 20 मिनट पानी में भिंगोकर रखा था। चावल को मध्यम आंच पर 7 से 8 मिनट तक पका लें। इन्हें ज्यादा न पकाएं और छानकर अलग रख लें। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच घी गर्म करें। ये मैं थोड़े से कटे हुए काजू, कुछ बादाम और पिस्ता का यूज करूंगी। घी में काजू को भून लें। जब काजू फ्राई हो जाए तो बादाम डाल दें। अब इसमें चावल डालकर मिक्स करें। अब इसमें मैं करीब 200 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। ये मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब पिस्ता भी डाल दें। जब चीनी गल जाए तो इसमें कुछ किशमिश मिक्स करें। 1 से 2 मिनट चलाकर गैस को ऑफ कर दें। गर्मा गर्म मीठे बसंती चावल को ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। ये देखिए कितनी आसानी से स्वादिष्ट चावल तैयार हो गए हैं। ये चावल बसंत पंचमी के दिन प्रायः हर घर में बनते हैं। आप भी एक बार इस तरह से मीठे चावल जरूर बनाएं। यकीन मानिए, इनका स्वाद तो लाजवाब होता ही है और देखने में भी काफी शानदार लगते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, खाने की चीजों को बर्बाद न करें और हमेशा सबकी मदद करें।